ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि डिक्टेशन जब बच्चा एलकेजी या यूकेजी क्लास में हो जाता है तब उसको अल्फ़ाबेट लर्न करवाए जाते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम N O P Q R S T U V W X Y और Z। इस तरह बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लर्न करवाए जाते हैं। तो डिक्टेशन क्या होती है, अब हमारे मन में सवाल उठता है डिक्टेशन होती क्या है। इनको आप कटमा भी बोल सकते हैं। डिक्टेशन जो होती है, जब बच्चा अल्फ़ाबेट लर्न कर लेता है तो उसको बीच बीच में से डिक्टेशन बोली जाती है। जैसे कि बच्चे को बोलना लिखो बी, बच्चा लिखेगा बी, बच्चा दिमाग में ऐसे दिमाग पर जोर डालेगा और फिर बी बी क्या होता है, बच्चा फटाक से लिखेगा बी। बच्चे को बोलेंगे एम, बच्चा लिखेगा एम, बच्चे को बोलेंगे पी, बच्चा लिखेगा पी, उसको बोलेंगे जेड। इस तरह आप बच्चे को ऐसे अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे और बच्चा लिखेगा, तो वो होती है डिक्टेशन। डिक्टेशन ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की ही नहीं होती है, जब बच्चा सी वी सी वर्ड सीखता है उसमें पैट रेड कैट, इस तरह जब बच्चा ये चीज़ें सीखता है तब भी उसको इनमें भी बच्चे को डिक्टेशन यानी कि ऐसे सी वी सी वर्ड्स बोले जाते हैं। डिक्टेशन सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की ही नहीं होती है, डिक्टेशन में आप कोई भी, आप जैसे बच्चा बड़ी बड़ी क्लासेस में जाता जाता है तो उसको उसी हिसाब से डिक्टेशन बोली जाती है। और लेकिन एलकेजी और यूकेजी क्लास में बच्चे को जो है अल्फ़ाबेट्स कहीं कहीं से बोले जाते हैं और बच्चा उनको लिखता है, तो वो होती है डिक्टेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।